आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत देश के वो सुप्रसिद्ध चोर बाजार, जिनके बारे में ये तक दावा किया जाता है कि अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया है तो वो इन्हीं चोर बाजारों में कहीं बिकता हुआ नजर आ जाएगा। उससे पहले ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई की मोहम्मद अली रोड पर लगने वाले इस चोर बाजार को शोर बाजार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के दुकानदार चोरी का सामान बेच रहे होने के बावजूद भी जोर जोर से आवाजें दे देकर चीजों को बेचते नजर आ जाते हैं। यहाँ पर चोरी हुआ हर सामान खरीदने को मिल जाता है। जनाब, अब शायद आप चौंक जाएंगे कि एक समय में क्वीन विक्टोरिया मुंबई में घूमने आई थी, तब उनका शिप में रखा सामान चोरी हो गया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद खुद रानी विक्टोरिया ने वो सामान इसी चोर बाजार में बिकते हुए पाया। देश की राजधानी दिल्ली का चोर बाजार, जो कि देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चोर बाजार है, इसे कबाड़ी बाजार भी बोला जाता है। इस बाजार से एक हंसी से भरा किस्सा जुड़ा हुआ है कि एक शख्स इस बाजार में टायर खरीदने आया और इस बाजार तक पहुंचने के बाद उसने अपनी गाड़ी इसी चोर बाजार के पास खड़ी कर दी। अंदर जाकर उसने जिन टायरों की बोली लगाई थी असल में वो उसी की खुद की गाड़ी के टायर थे जिसको वो बाहर खड़ी करके आया था। अब बात करते हैं बेंगलुरु के चोर बाजार की, जो एवेन्यू रोड के पास में ही लगाया जाता है। ये चोर बाजार केवल रविवार के ही दिन लगाया जाता है। इस चोर बाजार में आपको इलेक्ट्रॉनिक का हर महंगा सामान सस्ती कीमतों पर मिल जाता है। ये सारा सामान या तो चीन से इंपोर्ट किया हुआ होता है या फिर चोरी का होता है। आज आपको जो दुकानें दिखाई दे रही हैं, वो कल को दिखेंगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या आपने भी कभी यहाँ से कुछ खरीदा है? इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको जिस प्रकार के भी वीडियोस चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही नए व ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के साथ। धन्यवाद।